फारूक बंदयाल की पीटीआई में शमूलियत ने एक नई बहस ने जन्म ले लिया। इमरान खान के हमरा फारूक बंदयाल की तस्वीर आई तो हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हुई तो पीटीआई सरबरा ने फारूक बंदयाल की रुकनियत मौतल कर दी। उसी रोज ट्विटर पर झरना बॉक्स के हैंडल से एक ट्वीट हुई जिसमें इमरान खान की तारीफ में कलाबे मिला दिए गए। कहा गया कि ये अकाउंट माजी की मारूफ अदाकारा शबनम के असल नाम से है जो बेटे के हमरा ढाका में रहती हैं। इस ट्विटर अकाउंट से ये पहली ट्वीट थी जिससे अंदाजा हुआ कि ये उसी दिन बनाया गया। ट्विटर पर बाज़ लोगों ने एतराज भी किया, ये शबनम की नहीं है, ट्रॉल डॉक्टर की है, जो कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनकर तो कभी रानी मुखर्जी बनकर लोगों को ट्विटर पर बेवकूफ बनाता है। आलमी नशरियाती इदारे बीबीसी ने जब शबनम के घर पर फोन किया तो बात बेटे रोनी घोष से हुई, जिसका कहना था कि वालदा शबनम इन दिनों शदीद अलील हैं, वो इस हालत में भला ट्विटर कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। रोनी ने ट्विटर और बयान की सख्त तरदीद की और कहा कि इस अकाउंट से उनकी वालदा शबनम का कोई ताल्लुक नहीं, उनकी वालदा का नाम इस्तेमाल करने के पीछे सियासी एजेंडा हो सकता है।